से जीत छीन कर लाई है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जया कि टेस्ट मैच का जो रोमांच है, जो T20 और T20 के पहले वनडे के बाद ये कहा जाने लगा था कि टेस्ट जो है वो अब रोचक नहीं है जी। उनको देखने में मजा नहीं आता है, लेकिन क्या कमाल का टेस्ट मैच हुआ है ये, और दोनों टीमों को क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं बांग्लादेश की बहुत खुले मन से प्रशंसा करूंगा कि वर्ल्ड क्रिकेट को एक ताकतवर टीम मिली है। पहले इस सब कॉन्टिनेंट में, इस हमारे एशिया उप महाद्वीप में, दक्षिण एशिया में हमारी टीम जो थी, दो ही टीम भारत और पाकिस्तान, वो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी ताकत थी। लेकिन अब ये तीसरी टीम का एमर्जेंस हुआ है और अफगानिस्तान में है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि वो देश इस समय उलझनों में जरूर है, लेकिन वहां की टीम भी कमाल कर रही है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश जो है वो एक अद्भुत टीम के तौर पर उभरी है, और भारत को जो कि वर्ल्ड टेस्ट के फाइनल में पहुंचने के लिए दस्तक दे रही है, जो होने वाला है, और बांग्लादेश ने उस टीम को, भारत को पसीने ला दिए, और मैं बेहिचक कहूंगा कि इतना टॉप ऑर्डर हमारा बैटिंग का, लेकिन जो बांग्लादेश की फिरकी में उलझा, और खासतौर से मिराज ने क्या कमाल की बॉलिंग की है, दुरुस्त आए, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। आप जीत जाते हैं तो चर्चा आपकी होती है, लेकिन ये टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट जो है वो बांग्लादेश के नाम रहा गया। बिल्कुल सर, जैसे कि बांग्लादेश की तारीफ आप कर रहे हैं और वाकई में कड़ी टक्कर टीम इंडिया को दी है, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी कि टर्निंग पॉइंट आप कहां पर देखते हैं, क्योंकि तीसरा दिन बांग्लादेश के ही नाम रहा था, चौथा दिन भी आज वही लग रहा था कि टीम इंडिया की जीत तो बेहद मुश्किल है, लेकिन टर्निंग पॉइंट आप कहां पर मानते हैं? देखिए, टर्निंग पॉइंट है अश्विन जी। ये एक ऐसा ऑलराउंडर है, हमने बहुत निचले क्रम में लंबे समय से मैं भारत में दिख रहा हूँ कि हमें हार्दिक पंड्या एक अच्छे ऑलराउंडर मिले हैं, लेकिन अश्विन को अगर आप इनका पिछला इतिहास देखेंगे, चाहे श्रीलंका में इनकी बैटिंग को देखें 1.5-2 साल पहले, या इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हम देखें, तो अश्विन एक बहुत डिपेंडेबल बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं। अगर श्रेयस अय्यर को वो सपोर्ट नहीं करते, वो अगर एक भरोसेमंद बल्लेबाज की तरह श्रेयस अय्यर के साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि श्रेयस अय्यर ही आखिरी क्रेडिबल बल्लेबाज थे इंडियन क्रिकेट टीम के, जो किला लड़ा रहे थे अश्विन के साथ, लेकिन अगर अश्विन उनका साथ छोड़ जाते तो ये टेस्ट मैच हमारे हाथ से फिसल जाता, क्योंकि पूरा टॉप ऑर्डर जो था केएल राहुल से लेकर, और बात करें हम विराट कोहली की, और विराट कोहली तो काफी नाराज भी खुद अपने प्रदर्शन से भी रहे और बांग्लादेश की टीम से भी भिड़ गए, लेकिन किस तरह से अंतिम क्षणों तक धैर्य न खोते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने, श्रेयस की भी जितनी तारीफ की जाए कम है, वो भी एक उन्होंने पहली पारी में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जिसकी वजह से हम लीड ले पाए, और लीड अगर 100 रन की नहीं होती तो आप तय मानिए कि ये टेस्ट हम हार चुके होते जी। बिल्कुल शरद जी, मैं चाहूंगी कि एक बार टीम इंडिया और बांग्लादेश का के बारे में हम अगर बात करें, जैसे कि टीम इंडिया की बात आपने की, जैसा जिक्र भी किया आपने कि श्रेयस और अश्विन की जोड़ी जिन्होंने 71 रनों की साझेदारी की और उसकी बदौलत ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में लिटन दास को भी हमें याद करना चाहिए जिन्होंने 73 रनों की पारी खेली है, और इसके साथ ही एक और जाकिर हसन जिन्होंने 51 रनों की पारी खेली, तो इन दो बल्लेबाजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो टेस्ट मैच है ये टीम इंडिया को क्या सीख देता है? देखिए, पूरी बांग्लादेश की टीम जो है वो युवा टीम है, कुछ अनुभवी प्लेयर्स को छोड़ दें, लेकिन जिस तरह से पूरी टीम है, चाहे लिटन दास एक दुनिया के, मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज के तौर पर वो दस्तक दे चुके हैं जी। और आने वाले समय में रिकॉर्ड्स और उनका परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी ताकत को बताएगा। और अगर आप बात करें तो बांग्लादेश टीम के कैप्टन की हम बात कर लें, या उनके पेस अटैक की हम बात कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी जो स्पिन गेंदबाजी है, पाकिस्तान के जो कैप्टन है शाकिब, वो खुद बहुत अच्छे स्पिनर हैं, आर्म स्पिनर हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं, और आर्मर अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को हमेशा चौंकाते हैं। मिराज ने जिस तरह से अद्भुत गेंदबाजी की है, फिरकी गेंदबाजी, 5 विकेट लिए हैं, अगर ये दोनों बल्लेबाज दीवार की तरह अय्यर और अश्विन नहीं खड़े होते तो मिराज आज के हीरो और मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच वही हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अगर देखें बांग्लादेश की टीम, तो उस टीम में पेस अटैक,
बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी, इन तीनों का एक बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है जो किसी भी टीम को चैंपियन बनाता है। तो आप तय मानिए कि आने वाले वक्त की ये जो टॉप फाइव क्रिकेटिंग टीम है वर्ल्ड की, क्रिकेट वर्ल्ड की, उसमें बांग्लादेश होगी निश्चित तौर पर। ये श्रेय उसे मिलना ही चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस खबर का इतने अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के लिए। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच था, इसमें टीम इंडिया ने रोमांचक तरीके से जीत दर्ज की है। संघर्षपूर्ण रहा, आखिर तक टीम इंडिया को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार बांग्लादेश से उस जीत को छीन लिया है और सीरीज पर भी इसी के साथ भारतीय टीम ने कब्जा जमा लिया है।